हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। एसएससी एंड स्टूडेंट्स बाय श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ हार्टली वेलकम्स यू टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, वी मेजर वेट बाय द किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, एंड किलो मीन्स 1000। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हम कोई भी चीज है वो खरीदने जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सब्जी है, करियाना है, कुछ भी चीज हम खरीदने के जाते हैं, तो जो वेट है, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो किलोग्राम और ग्राम में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम 1 केजी बनाना लेते हैं या फिर एप्पल लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो मेजरमेंट लेता है वो किलोग्राम या ग्राम से फाइंड आउट होता है। किलोग्राम है वो बिग यूनिट है और ग्राम है वो स्मॉल यूनिट है। विराट जो 1 किलोग्राम है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं केजी, किलोग्राम, ओके, और ये है 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम है वो स्मॉल यूनिट है, किलोग्राम है वो बिग यूनिट है। अब ये किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, इसका हाफ किलोग्राम है, हाफ किलोग्राम दैट मीन्स इससे आधा, तो 1000 डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर आएगा 500 ग्राम। 5 2 10, पीछे 20 लगा दो तो 500 ग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है क्वार्टर किलोग्राम। क्वार्टर किलो, क्वार्टर आपको पता है, क्वार्टर दैट मीन्स 1/4। ठीक है, 1/4 उसका हाफ हुआ, क्वार्टर किलोग्राम दैट मीन्स चौथा, फोर्थ बार, 1000 डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टर दैट मीन्स 1/4, 1/4। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 250 ग्राम। ठीक है, ये याद रखने। ठीक है, आप देखो ये जो सम ऑफ द वेट ऑफ द यूज्ड आर द फॉलोइंग, ये जो किलोग्राम और ग्राम के जो वेट है जो होते हैं, ठीक है, वो किस किस के होते हैं, 50 ग्राम होते हैं, 100 ग्राम होते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी एंड 2 केजी। ठीक है, यहाँ तक के जो वेट जो होता है आपका, आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप सब्जी वाले को कहते हो मुझे 2 केजी बनाना चाहिए, तो किस तरह से करता है, जो 2 केजी का जो वेटेज होता है पान, वो 1 साइड रखता है, ठीक है, और फिर जो एप्पल है, ठीक है, या फिर बनाना है वो यहाँ पे दूसरी साइड रखता है, फिर जो बैलेंस हो जाता है, यहाँ पे 2 केजी बनाना हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 केजी का पान है, वेट पान वो रख देता है, और यहाँ पे बनाना है वो रखता है, जब 2 केजी होता है तो दोनों बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो हमें 2 केजी बनाना है वो हमें देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो मेजरमेंट है वो लेता है, और फिर इस तरह से हमें सब्जी या फिर कुछ भी चीज हम खरीदते हैं, ठीक है, वो हमें देते। वी पुट द आर्टिकल ऑन वन पार्ट ऑफ अ सिंपल बैलेंस, देन वी पुट द वेट ऑफ द अदर पार्ट टू द बैलेंस द आर्टिकल। यहाँ पे आपको बुक में भी ड्रॉ किया हुआ पिक्चर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया वेट ऑफ पाइनएप्पल इज 2 केजी का, आपको पाइनएप्पल है उसका वेट है वो फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से आपको वेट है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपका आता है फाइंड द टोटल ऑफ वेट इन ईच केस, यहाँ पे आपको वेट पान दिया गया है उसका आपको एडिशन करके टोटल है वो लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इसका आपको टोटल करना है, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 50 350 ग्राम। नेक्स्ट आपको दिया गया है 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम,
ठीक है, आपको इस तरह से दिया गया, आपको टोटल करना है 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 50 350 ग्राम। टेन ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 200 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम। आंसर क्या था? 500 प्लस 200, 700 प्लस 50, 750 ग्राम। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 kg 50 ग्राम। अब 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है, तो दोनों आप साथ में नहीं लिख सकते। साथ में लिखना है तो एजी टीजी लिख देना है 1 किलोग्राम 50 ग्राम, या फिर उसको किलोग्राम इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1000 ग्राम 50 ग्राम। तो आपका आंसर आएगा 1050 ग्राम, या फिर किलोग्राम ग्राम में इस तरह से लिखो, या फिर कन्वर्ट करके इस तरह से लिखो। ठीक है, इसमें आपको सिंपल एडिशन ही करना है। ठीक है, अभी जो वेट है, ठीक है, वी यूज द किलोग्राम ऑफ वेट, अ बिग पैकेट्स और बैग्स ऑफ राइस है, दाल है, सुगर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो वो है वो हम किलोग्राम में फाइंड आउट करते हैं। जो स्मॉल यूनिट है वी यूज द ग्राम है, वो कहाँ पे यूज करते हैं? ऑफ द वेट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स है, स्वीट्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, सुगर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें किलोग्राम और ग्राम है, जो स्मॉल यूनिट में हमें फाइंड आउट करना है तो ग्राम का यूज करेंगे, और बिग यूनिट्स में वेट फाइंड आउट करना है तो हम किलोग्राम का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी, जिसमें आपको वेटेज दिया गया है, आपको लिखना है ग्राम है या किलोग्राम है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए वेट ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट्स, यहाँ पे आपको 50 दिया गया है, तो स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट्स का स्मॉल पैकेट है तो ग्राम में आया है, तो यहाँ पे आपको पीछे आंसर लिखना है ग्राम का जी। ठीक है, नेक्स्ट है वेट ऑफ अ चॉकलेट, चॉकलेट का जो वेट होता है वो स्मॉल यूनिट में आएगा 25 ग्राम। वेट ऑफ योर मैथ्स बुक, जो मैथ्स की जो बुक है, ठीक है, वो 300 दिया गया है तो उसमें भी आएगा ग्राम। वेट ऑफ अ ब्रेड पैक, जो ब्रेड पैक का जो पैकेट होता है वो आपको दिया गया 400, उसमें भी आएगा ग्राम। वेट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड बेबी, जो ओल्ड बेबी है, छोटी बच्ची 1 ईयर की, उसका वेट आएगा 4 kg, वो ग्राम में नहीं आएगा क्योंकि बट लड़की वो बड़ी है, ठीक है, तो उसमें किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट आपका वेट ऑफ राइस फॉर द फैमिली फॉर अ वीक, फैमिली फॉर अ वीक के लिए, दैट मीन्स वो 1 वीक के लिए जो राइस है वो खरीदा है, दैट मीन्स उसकी जो वेटेज होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 5 kg। ठीक है, इस तरह से आपको किलोग्राम है ग्राम है वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडिशन। किलोग्राम एंड ग्राम, 28 किलोग्राम 750 ग्राम 85 ग्राम प्लस 16 किलोग्राम 97 ग्राम। इसका है सिंपल एडिशन करना, जिस तरह से करते 5 प्लस 7 12, 2 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 9 18, 1 कैरी 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, द आंसर 44 किलोग्राम 882 ग्राम। इसी तरह से नेक्स्ट हम ले तो 6 किलोग्राम 515 ग्राम प्लस 5 किलोग्राम 885
5 प्लस 5 10 0 1 के 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 1 के 8 प्लस 1 9 प्लस 5 14 1 के 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12 The answer 12 kilogram 400 gram. इसी तरह से नेक्स्ट हम ले तो 9 किलोग्राम 685 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम 185 ग्राम 5 प्लस 5 10 0 1 के 8 प्लस 1 8 16 प्लस 1 17 1 के 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 9 प्लस 1 10 द आंसर 10 किलोग्राम 870 ग्राम इसी तरह से नेक्स्ट हम ले तो 34 किलोग्राम 456 ग्राम प्लस 54 किलोग्राम 655 ग्राम 6 प्लस 5 11 1 के 5 प्लस 1 6 प्लस 5 12 सॉरी 11 1 के 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11 1 के 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 5 प्लस 3 8 The answer 89 kilogram 111 gram. Next topic. Next sum 40. 8 kilogram 339 gram plus 8 kilogram 678 gram. 8 plus 9 17. 1 kg. 7 plus 3, 10 plus 1, 11, 1 carry, 6 plus 3, 9 plus 1, 10, 1 carry, 8 plus 8, 16 plus 1, 17, 1 carry, 4 plus 1, 5. The answer 57 kilogram, 17 gram. इसी तरह से नेक्स्ट हम ले तो 28 किलोग्राम 785 ग्राम प्लस 16 किलोग्राम 197 ग्राम सॉरी एक बार हो गया है 14 किलोग्राम 645 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम 120 ग्राम 5 plus 0, 5, 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7, 4 plus 3, 7, 1. The answer 17 kilogram 765 gram. ठीक है? तो इस तरह से आपको सिंपल इस तरह से एडिशन है वो करना है. Any questions you write in comment box. Now you write the homework. पेज नंबर 111 टू 113 राइटिंग टेस्ट बुक थैंक यू जय श्री स्वामीनारायण एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल